The key to an easy trek is a steady trek. चलते रहेंगे तो थकान महसूस नहीं होगी. Come on, guys! All right, everybody, smile. एक बार तुम तीनों के साथ मुझे अपना बचपन फिर से जीना, किसी भी तरह एक बार एवरेस्ट तक जाना. साल में एक दिन तेरा बर्थडे आता है, उसमें भी तेरा ये जो एवरेस्ट है ना, ये सारे गिफ्ट ले जाता. मखमल गालों वाली यमराज वैसे ही मंडरा रहा है कंधे पर. चलो बुला लो तुरंत गला पकड़ने के लिए. सीढ़ी चढ़ नहीं सकते चारों, ऊपर से बोले पहाड़ चढ़ जाओ. ओ केटिको बर्फ बदन है, केटिको सुर्ख लगन है. आप इनके परिवार को इत्तला कर दीजिए. बस हम इससे जो थे वो बैंक का स्त्री विसर्जन वही होना चाहिए जहां उसकी आत्मा बसती. हमारी उम्र क्या जानता है ना तू? और मैं अगर सोच भी लूं तो शबीना तो मुझे गुड़गांव के लिए जाने नहीं देती. एवरेस्ट की बात तो दूर हो गई. ध्यान रखना अपना, पहाड़ों में बर्फ होती है, कहीं फिसल बन जाना. पहाड़ों में हम कोई एवरेस्ट थोड़ा चढ़ने जा रहे हैं. आंटी मेरा मतलब है अब सालों में जीना. दिल्ली से कानपुर तक की दूरी 495.6 किलोमीटर. हम 7 घंटे और 31 मिनट में तय करेंगे. बाथरूम के लिए कब रुकना है वो भी आप बता दो. कब आएगी इसका भी तुमने प्लान बनाया होगा. हाँ, बनाया होगा कि नहीं? धक्का क्यों दे रहा यार? एवरेस्ट बेस कैंप की ट्रैक दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रैक्स में से एक है. यहाँ पर इतनी ठंड पड़ सकती है कि हम कभी भी बर्फ बन सकते हैं. तो हर रोज 8 से 10 घंटे ट्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए. जिंदगी को हकार दे. गलती को पश्चाताप करने का ये मेरा आखिरी मौका है. अपनी एज देख कर ना, आप सबको घर ही बैठना चाहिए. हम एजिड हैं, इसलिए हमें घर पे बैठना चाहिए. नहीं बैठना हमें घर पे, हमें पहाड़ चढ़ने हैं, नदियां पार करनी है, जंगलों में घूमना है. कर लो तो तुम्हें करना है, हम नहीं बैठेंगे. भूपेन का फेवरेट गाना. ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप.